भोर भइल में टल अंधियारा कोयल कुहु के पूर्व दिशा से निकलल लाली फैल गइल मुस्का दादा आइए दादा ए भैया नथुनिया जब से पढ़ ली तब से दीवाना लोग हो गए हमारा तो ना कोनो फर्क पड़ल बमते होई तरी कोई तर लौकत है तो की पढ़बो ना करे ई हमके पता बा ना पार्टनर एकदम ना तू बहुत निक गोलुआ बहुत आनंद लेनी है बहुत मस्ती करनी है आ उम्मीद ना पूरा विश्वास बा कि हमार दर्शक भैया लोग के आज दिन के शुरुआत भी यही गीत के साथ एकदम दीवानगी वाला हो गए एकदम मौज मस्ती करे के बा भैया आज के प्रोग्राम से झूम के जाए के बा ताकि दिन रहुआ लोग के एकदम चौचक बीते शुरू कर जा बिल्कुल देर का ना बात के शुरू कर रहुआ लोग के हमने के एक बार पुनः तहे दिल से एक साथ मिल के पूरा महुआ प्लस परिवार यानी ई अंगना स्वागत करता अपन एक खास प्रोग्राम में जौना के नाम बा और हम बानी आपके जितेंद्र सिंह अंशु और हम बानी राउर दुलारी राउर चहेती संजोली रउआ सब खातिर लेके आ गेल बानी एक बार फिर से हुए मस्ती के मनोरंजन के पूरा खजाना पार्टनर हाँ? मनोरंजन के खजाना के और भर दिया जा और आज के उत्तम विचार बता दिया जा तो दर्शक लोग आज के उत्तम विचार ई बाकी कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो
कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, क्योंकि रिश्ते मुकद्दर से मिला करते हैं। बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। बिल्कुल सही बात दर्शक लोग, काहे कि हमने की जिंदगी के जो असली मतलब बा, असली खुशी बा, हमने के रिश्ता में होकेला। कोनो भी रिश्ता होकेला ओमे हमार बहुत खुशी होकेला। बाकी एक बात रउआ सबसे जरूर निहोरा करे के चाहब कि रउआ सब भी अपने रिश्ता के ऐसे ही खूबसूरती से निभाई, तभी जिंदगी के जिए के असली मजा व असली रंग दिखी। सही बात, एकदम परफेक्ट बात बतौली भैया पार्टनर। ता इतना खुशी मिला हमके बात पे यही खुशी पे आज से तू के हम अपना बिजनेस पार्टनर बनावत है। बिजनेस पार्टनर? हाँ। वो आपन ई कैसे सोच लेला? अरे यार पहले पूरा जान तल बिजनेस का बा, पहले ही लगलू कूदे। अच्छा, मना ठीक करे ठीक बात तो पूरा ठीक बा, बता दा बिजनेस का बा। आखिर बिजनेस ही करे के बा कि पैसा बेचे के बा? पैसा बेचे के बा। हाँ, रुपया पैसा बेचे के बा। ई कौन बिजनेस होला? हमरे तो कुछ पल्ले ना पड़ल। कैसे बता बता नहीं। देखो 1000 के नोट कितना में मिली? ला 1000 के नोट 1000 में आई आई ना। बस त इहे बिजनेस बा हमार भैया। ये बिजनेस बा हमी के समझौरा कोशिश करत रहने की सेकंड हैंड माल खरीदल जाए। हां हां, कम दाम पे। हां, बुझाइल। हां, आ ओके आगे ले जाके और जगह दाम बढ़ा के बेचल जाए। बहुत सही करा तू ई बिजनेस, अब बहुत लाभ कमाईबा। काहे दर्शक लोग? देखो भैया, हम सब एक के बाद जाने ने स्पष्ट रूप से हम तुझसे कह देता नहीं, तू हमार साथ द चाहे मत द, लेकिन भैया हम तो बिजनेस जाता नहीं, अपन शुरू करें। बा भाई बा, तू अपन जिम्मेदारी निभावा, बाकी अब हम अपन जिम्मेदारी निभाए प्रोग्राम के। लाए में तो तू हमार साथ दो चाहे मत, लेकिन हम तो तुम्हारा हाथ बटाइबे करब। हां तो देर कोनो बात के, फिर चला साथ दे और दिखावल जा मिलके आज के प्रोग्राम की एगो खास झलक। आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, और ओबेसिटी के अंतर्गत हम कर रहे हैं डायनेमिक आसनास। दोनों पैर मिला देंगे और दोनों हाथों को बांधेंगे कमर के पीछे। पहले पकड़ेंगे राइट रिस्ट और इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल अप, एक्सहेल। आज हम चर्चा करेंगे साइकाइट्री के एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स की, जिसका नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। हरवा चलावत के भइल दुपहरिया, ना आइली गोरी हमार होला, ना आइली गोरी हमार। तो दर्शक लोग, ई तो हो गेल आज के प्रोग्राम के एगो झलक, बाकी एकरा के विस्तार से दिखाई बाकी। रुका रुका रुका, तनी धीर धरा। अबहिं तो पहले हमारा बिजनेस के बतिया चलता, ओकरा के करियो तनो विचार कर जा। ठीक बा, तू जा बाजार से सेकंड हैंड 1000 के नोट खरीद के ले आवा, बाकी हम तब तक ब्रेक ले लेता नी। ठीक बा, वे करम। ठीक बा, तो दर्शक लोग लेता नी एगो ब्रेक, पार्टनर के जाय दी खरीद के लावे के बा। रउआ बनल रही हमने के संगे संगे, लेता नी एगो अल्प विराम, कहीं ना जाए छोड़ के खास प्रोग्राम। अजौना प्रोग्राम के नाम बाटे भइल बिहान, भइल बिहान। तो दर्शक भैया, एक बार फिर से रउआ लोग के हम स्वागत करता हैं एकदम नया हर्ष उल्लास खुशी मौज मस्ती के मूड में। आप सबके स्वागत बा अभिनंदन बा हमारे खास प्रोग्राम में, जौना के नाम बा मोर भैया भइल बिहान। तब व्यापारी बाबू, तहार बिजनेस कहाँ तक पहुंचा? भाई पार्टनर का बताए यार, बहुत बहुत बुरा भाई। जो ना लगे जाता नहीं तो 1000 के नोट 1000 रुपए से कम में मिलते ना कि, और जो नहीं कि 900 मिल जाए, 995 मिल जाए, 5 रुपए बचा, लेकिन बिजनेस देखता नहीं। इता बहुत बुरा भाई, आप क्या करबा? बुरा तो भाई, दिमाग तो एकदम खराब है भैया, झूठ ना बोला, ईमानदारी से बताओ तनी, एको पैसा के हमारे में फायदा नहीं खेल लौकत, तब करब का? आप खाई बा सुत तब और का करो, और कौन काम है? नहीं हमारे लगे अब तू अगर सिर्फ एक ही काम करबा, खाई बा और सुत बा, तब तो भाई तारा पेट निकल आई। बे ना यार, ऐसा ना कर, अब ये पेट निकल जाए तो कैसन हो यार, निक तो ना लगब। निक तो ना लगब, बाकी हो जाए अगर ऐसा करबा तो। एकर इलाज का बा, कैसे बचल जा सकेला? एकर इलाज हम ना बताए, बल्कि एकरा खाते तोके भी मेहनत करे के पड़े और देखे के पड़े, ओपे विचार करे के पड़े, ओकर करे के पड़े, बताई? हम कुल्ली कर, तू बतावा खाली। देखा, एक ओबेसिटी भी बोलल जाला, बाकी एकर एको माध्यम बा दूर करे के, उ होला योगा। योगा से दूर हो जाए? हाँ। तो दिखाओ। तो चलिए दर्शक लोग, रवा सब भी देखिए हमने की खास सेगमेंट, जिसमें आज ओबेसिटी यानी कि मोटापा से निजात कैसे पावल जाए यह बताई जाए। तो चलिए देखल जाए खास सेगमेंट जेकर नाम बा योग गंगा। ओबेसिटी यानी मोटापा,
इंसान के लिए ओबेसिटी किसी अभिशाप से कम नहीं। वैसे तो मोटापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसे कई बीमारियों की जड़ कहा गया है। मोटापे से पीड़ित इंसान को कई तरह की सामान्य शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें कार्य क्षमता में कमी, जल्दी थकावट, चलने फिरने में दिक्कतें जैसी मुश्किलें शामिल हैं। इस समस्या पर इलाज के जरिए समाधान की संभावना कम ही होती है, मगर योग के जरिए मोटापे पर आसानी से काबू पाया जा सकता है और एक बेहतर जीवन शैली को अपनाया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, और ओबेसिटी के अंतर्गत हम कर रहे हैं डायनेमिक आसनास। दोनों पैर मिला देंगे और दोनों हाथों को बांधेंगे कमर के पीछे। पहले पकड़ेंगे राइट रिस्ट और इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल अप, एक्सहेल अप, डाउन, बैक। और अभी 5 times रिपीट करने वाले हैं दूसरी रिस्ट पकड़ के। इनहेल अप, एक्सहेल अप, एक्सहेल अप, एक्सहेल, 2 more, 1 more, ब्रिंग इट बैक, रिलैक्स इट। लंबा गहरा सांस भरेंगे, रिलैक्स करेंगे। भुजंग आसन है अपर बॉडी के लिए। अभी इसके काउंटर पोज करने के लिए हम लोअर बॉडी का आसन करेंगे, विच इज शलभ आसन। तो शुरुआत करेंगे अर्ध शलभ से और फिर पूर्ण शलभ। तो दोनों पैरों को जोड़ दें इस तरह से, दोनों पाम्स को ले जाएं थाइस के नीचे, और अभी राइट लेग से डाने में करेंगे। 10 बार लेग को ऊपर और नीचे ले जाएंगे, सांस भरेंगे ऊपर, सांस निकालेंगे नीचे। बिल्कुल योगिक स्टाइल में होगा, लेकिन रेपिटेशन ज़्यादा है। सांस भरें ऊपर, आराम से ऊपर, आराम से नीचे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, एंड काउंट इट, बी अवेयर ऑफ द काउंटिंग ऑल्सो। और अब हम देख रहे हैं दोनों पैर से एक साथ, दोनों पैर ले जाएं ऊपर सांस भरते हुए, नीचे ले आएं सांस निकालते हुए। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, एंड रिपीट इट एज मैनी टाइम्स एज यू कैन। तो आप योग इंस्ट्रक्टर के सामने बैठ के जब करेंगे तो आपका स्टेमिना उनको पता चल जाएगा। धीरे से वापस आएं और रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के लिए लंबा और गहरा सांस भरें। एंड व्हेन यू आर रिलैक्स द हार्ट बीट्स वुड बी नॉर्मल एंड यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्रिया। यहाँ पर नेक्स्ट क्रिया करेंगे हम स्पाइनल ट्विस्टिंग। दोनों पैरों को 90 degree में फोल्ड करें, घुटने से फोल्ड करें पैरों को, और अभी ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट एंड राइट। बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा लोअर एब्डोमेन में, एंड कीप रिपीटिंग इट। लोअर बैक और लोअर एब्डोमेन दोनों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। कटी चक्र भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आप टॉर्सो से मूव कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज मेरली अ ट्विस्टिंग विच इज अफेक्टिंग योर लोअर बैक एंड लोअर एब्स एंड हेल्पिंग यू इन गेटिंग रिड ऑफ द ओबेसिटी। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के लिए मकर आसन, लंबा और गहरा सांस भरें। Now, fold your legs again and be ready for धनुरासन। यहाँ पर हम आसनों के बीच में थोड़ा सा कम रिलैक्स कर रहे हैं, आप चाहें तो ज़्यादा रिलैक्स भी कर सकते हैं। So you can relax for 3 to 4 long deep breaths। और जब बॉडी रिलैक्स हो जाए, that means you are all ready for the next क्रिया। सांस भरें, सांस निकालें नीचे। Breathe in up. This is Dhanurasana, a perfect stretch for the complete body. This is the combination of Bhujang and Shalabhasana both. Bhujangasana में upper body उठाते हैं, Shalabh में नीचे की, और यहाँ पर दोनों sides की body, upper and lower body दोनों उठा रहे हैं. So this is a combination here. धीरे से वापस आएं और relax करेंगे. Relax करने के लिए लंबा और गहरा सांस भरें. Now here, be ready for cat scratch. So palms near your chest, up, and acquire the position of four-legged animal. दोनों घुटने और हाथों के बीच में equal distance है, spine सीधी है, और यहाँ पर तेजी से सांस भरे गर्दन ऊपर, सांस निकालें, और अभी right leg को ऊपर ले जाएं, सांस भरते हुए. और डायनेमिक पवन मुक्तिया, और दूसरी लेग से करेंगे इसी तरह से 4 बार, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो घुटना और चिन दोनों एक साथ टच हो रहे हैं। ब्रिंग इट बैक एंड रिलैक्स इट डाउन,
रिलैक्स करने के लिए सेल्फ सरेंडर पोज। तो अब आपने देखे कुछ डायनेमिक आसन जो ओबेसिटी के लिए बेहद जरूरी हैं, बहुत अच्छे हैं। वाह, देखा ना पार्टनर, इतना बढ़िया बात बताओ जरा इस सेगमेंट में, इतना मतलब दिल के लागे वाली बात होला कि आदमी आज के समय में बहुत ज्यादा हर तरह से परेशान रहता, मानसिक रूप से अलग तनाव रहता, मन के अपन अलग तनाव रहता, तन के अलग तनाव रहता, तो कहीं ना कहीं ये सेगमेंट जो बा यही मामले में बहुत खास बाटे और एकरा वजह से कितना लोग के अपन अपन समस्या से निजात मिल जाता। बिल्कुल सही बात कहला पार्टनर, कहे कि यह खास सेगमेंट ना बा, बाकी के भी सब सेगमेंट एकदम खास बा और ओई से मिल के बनल बा भइल बिहान। तो भइल बिहान के भैया अबहिन त थोड़ी देर खातिर दे विराम ले तन, एगो अल्प विराम तुरंत आवतन लेके अपन एक खास प्रोग्राम जौना के नाम बाटे भइल बिहान। भइल बिहान दर्शक लोग बारी आ गई बा सबसे खास सेगमेंट के, वही खास प्रोग्राम में जोना के रवा इंतजार कर रहा बानी, यानी कि राउर पसंदीदा प्रोग्राम आज एकर नाम बाटे तो पार्टनर जब इतना चाव से बता दे लो कि इतना ताव पे प्रोग्राम चलता है, ताव और चाव पे हम और आगे दे बड़वार घानिया भैया शुरू करता नहीं अपन खास सेगमेंट के जेकरा के नाम से ही भैया तन मन एकदम खुश हो जा रहा है, यानी उस सेगमेंट जेकर नाम बा सुर गंगा। और आज जे सुर गंगा में हमने के अंगना में मेहमान बन के आ रहल बानी, उ रुपया पैसा के मामले में यानी कि हिसाब के मामले में बड़ा बेमिसाल बानी। तो भैया हम बिना देर कहले बुलाए बा अपन वहां के खास मेहमान के जे बानी जिला देवरिया से सुनील कुमार पांडे जी। प्रणाम सुनील भाई, सबसे पहले राउर स्वागत भाई भइल बिहान के अंगना में, कैसा लगत है वहां के? भैया मन गदगद हो गेल, बहुत बढ़िया लगत है। क्या बात है। अच्छा ई बताई कि रउआ आज यहां आयल बानी ता रउआ के सब टीवी पे देख रहल बा जी, ता कैसन रिस्पांस होई आज घर परिवार में, बाकी जहां से आयल बानी देवरिया? खुशी का माहौल है, हमारे जितना भी मित्र गण बाने, जितना भी दोस्त बाने, हमारा पूरा परिवार बा, हमार खास कर जो हमारे गुरु जी बाने, देखे हम अपन गुरु जी माने नहीं, गोपाल भैया, गोपाल राय जी। अरे बाबा बाबा, और हमारे दो जानी मित्र जो उनकी जिला बलिया बलिया से बाने, भैया रामलाल राहे जी और साथी उमेश जी, वो लोग भी बहुत खुश हुई आज, हमारा पूरा स्टाफ बहुत खुश हुई। भैया अच्छा सुनील जी को बात बताए कि जैसे जाने के मिला रहुआ था अकाउंटेंट बानी, बढ़िया पैसा के हिसाब किताब में तो बढ़िया राउर को जोड़ा ना ना, बाकी ये बताई कि जब केहू आवेला राउल लगे पेमेंट लेवे तो ऐसे ना कि ओका गाना सुना के? ना 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 ना, इतना बात नहीं, पैसा लिया जाला कि गाना सुनावल जाला? ना ना, पैसा लिया जाला ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी, बाकी गाना सुनावे ली कि ना उनकरा के? गाना वैसे जे हमार दोस्त बाजे जाना था कि सुनील जी गीत गाने तो वो जरूर हमसे सुनेला, सुनील जी आयल बाड़ी इतना दूर से तनी एक बार गीतो हो जा। अरे सुनील भैया तो ई बतावल जा कि बियाह वात हैले बा? हां भाई, हो जाई बाड़ी ना? हां हां बिल्कुल। तो अगर रिसिया जाले रूस जाले तो कैसे मनावे? गाना गा के या कि बस ऐसे कि मान जाना? ना ना ना, गाना गा के का कैसे का कम गाना गावे? अरे हमरे खातिर तोहरा के क्या बात है दुनिया में भेजवले बड़े है भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनो ले इतना माननीय भौजाई के धन वानी हुआ धन वानी रहुआ। अब भौजाई ऐसा भाई ना मिली हो चपले रह चपले रह भौजाई तही तर मनौले रह। तो भैया जब भौजाई के मनावे खातिर ई गावतनी तो हमनी के मनावे खातिर दर्शक लोग खसावे खातिर नचावे खातिर का गाई का गावे के बाद सबसे पहले ये हंगना में? सबसे पहले हम एक देवी गीत गाई क्योंकि बिहाने बिहाने का समय बा, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं माँ के गीत से। बिल्कुल, कहे थे कि स्वर का दाता जो बा है माँ है, तो पहले स्टार्टिंग माई के गीत से हुई, बाकी जय हो जय हो गाय। निमिये के डढ़िया के डोलिया बनल बा, निमि के पतइये ओहा देवलोक से चलली भवानी नु देवता बनले कहाँ।
के पतैले ओहा निमिए के डढ़िया के डोलिया बनल ओपे निमिए पतैले ओहा देवा लोक से चलाली दुलारी नु हो देवता बनले कहा देवा लोक से चलाली भवानी हो देवता बनले निमिए के डढ़िया के डोलिया बनल ओपे निमिके पतैले ओहा निमिए के डढ़िया के डोलिया बनल ओपे निमिके पतैले ओहा देवलोक से चलाली भवानी नु हो देवता बनले कहा देवलोक से चलाली भवानी नु हो देवता बन डम डमरू बजावे महादेव मुरली बजावे मुरली धर हो डम डम डमरू बजावे महादेव मुरली बजावे मुरली धर हो ब्रह्माजी सप्त सती पाठ करत चले बजरंगी ध्वजा के ऊपर हो आगाया गणपति करे अगुआई मुसवाप होई के सवार गाया गणपति करे अगुआई मुसवाप होई के सवार देवलोक से चलाली दुलारी नु हो देवता बनले कहा देवलोक से चलाली दुलारी नु हो देवता बनले कहा निमिए के डढ़िया के डोलिया बनल ओपे निमिके पतैले ओहा निमिए के डढ़िया के डोलिया बनल ओपे निमिके पतैले ओहा देवलोक से चलाली दुलारी नु हो देवता बनले देवलोक से चलाली दुलारी नु हो देवता बनले कहा देवलोक से चलाली दुलारी नु हो देवता बनले कहा वाह भाई वाह का बात बा इतना कशिश इतना मीठ आवाज भौजाई तो सही पागल रहत हो या नहीं और उससे ले गाना या तो मान जे बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल देखा एक बात हमरा याद आवता मन करा था कि पूछ ली जी वो जब रू से ली तब तो आप गा के ई मना लेवे नी जी बाकी उनकर कौन गाना के फरमाइश रहेला रवा से कुछ भईला पे उनका वैसे गजल का फरमाइश रहेला अच्छा? गजल बड़ा पसंद करेली वाह वाह अच्छा और ये जब भोजपुरी में अब भोजपुरी में भी तो बहुत गीत बाटे कौनो ऐसा जोन उनकरा के ढेर पसंद उनके उनके जैसे जोन अपन बचपन का बाटे की जैसे सखी लोग सब इकट्ठा भइल बा बचपन का सब सखी सबका शादी ब्याह हो गइल बाटे सब सखी अपन जोन बाटे नैहर में आवता लोग तो अइले के बाद जोन बाटे सब मुलाकात करत लोग एक दूसरे से पूछत लोग सखी तुहार का हाल बा ये सखी तुहार का हाल बा तो वो लोग एक दूसरे से जोन बाटे अपने बारे में बताओ तारी तो वो कैसे बा अरे नैहर में सखिया सब मिली जुली बात करत रही ससुरा के वाह व्यास केहू कहे नीमन घर के हू क्या बात है अनिक न बोले भसुरा वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
एक सखी कुछ ना बोलसु का बात बा सब सखिया मिली पूछं लागी आलोर झरत रहे अखियन से अचरा से पूछी कहन क्या बात है बा भाई बा 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 रे बा कि परदेसी के अरे राह निहारत परदेसी के राह निहारत बीतल जात जवानी बहुत बढ़िया गाना याद में तड़पी बेदर्दी के याद में तड़पी बेदर्दी के मोर कहानी भैया बहुत बढ़िया लागल मजा आ गया भौजाई एकदम मन जोग बोर पोले बाड़ी आ कहीं ना कहीं उस शंकर जी के बड़ा मन से पूजे रहले तब जाके ऐसा बर जोग भेटाइल बा तो भैया इतने जोग ई प्रोग्राम बा जो रउआ लोग के पौले बानी हमनो के ओ लायक तो बनी गई बानी कि रउआ लोग अपन प्यार अपन दिन प्रतिदिन लुटावत जातानी और ये प्रोग्राम के हर रोज एगो नया बुलंदी पे पहुँचावत जातानी बस असही प्यार दुलार बनौले रही हम लेते नहीं एगो विराम और विराम के बाद तुरंत आपके लेके हाजिर होकर अपना खास प्रोग्राम में जौना के नाम बा ए मोर भैया भैल बिहान भैल बिहान तो दर्शक लोग ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता नहीं वही खास लगना में वही खास प्रोग्राम में जन रहुआ सबके चहेता बा यानी कि रहा और पसंदीदा प्रोग्राम जेकर नाम बा तो पार्टनर देखा हमने के साथ हमने के स्टूडियो में क्या मौजूद बा सुनील कुमार पांडे जी आ तू के हो संजोली पांडे जी संजू बड़ा बढ़िया बा कि पाणे पाणे मिल जाई ने आ लोटा ले गिर गई ने बात के बात बाटे ये सुनील भाई जानत रानी दर्शक लोग कि अगर ये पूछत बाड़े ये बात कि का बाड़ू तर नाम में का लगल तो पक्का एकरा पीछे कोनो कहानी है हमेशा नीचे दिखावे के चाहेले ना ना तू का पारे चढ़ के रहा ऊपर हमरे नीचे कह रहा हूं नहीं रहा पाणे हो तो भाई ब्राह्मण सर्वोपरि ब्राह्मण भगवान होले पूजल जाने अब ढेर माखन नहीं लगा रहा ना ना माखन ना सच्चाई बताओ तनी खैर तुरी सिया जी ना पूछा पाणे भैया से कि भैया राउत संगीत के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत के बा जी हम गोपाल राय जी के गोपाल भैया के जो हम प्रेरणा स्रोत माने ने वहाँ का जौन हिसाब से जौन गीत गावने सबसे बड़ बात यही बा कि भैया के गीत में कोनो अश्लीलता नहीं है बिल्कुल पारंपरिक गीत गावे नहीं आ वो गीत बिल्कुल दिल के छू जाला तो हम जौन बाटे भैया को ही गोपाल राय जी को ही मार्गदर्शन करे दी हरवा चलावत के भैल दुपहरिया हरवा चलावत के भैल दुपहरिया लायली गोरी हमार हो राम लायली गोरी हमार लायली गोरी हमार हरवा चलावत के भैल दुपहरिया हरवा चलावत के भैल दुपहरिया नायली गोरी हमार हो नायली गोरी हमार नायली गोरी हमार भरी घसिया के अहिली संवरिया आंधी भरी धुरिया उड़ावे बैरिया खाची भरी घसिया के अहिली संवरिया आंधी भरी धुरिया उड़ावे बैरिया नाचत किरनिया बचवना में झूम झूम नाचत किरनिया बचवना में झूम झूम छनके लटकी के कपार हो रहा
नायल गोरी हमार, नायल गोरी हमार, नायल गोरी हमार। हरवा चलावत के भइल दुपहरिया, हरवा चलावत के भइल दुपहरिया, नायल गोरी हमार हो रा, नायल गोरी हमार, नायल गोरी हमार, नायल गोरी हमार। क्या बात बा? वाह भाई वाह। बाकी घर परिवार में भी क्यों गावे ला कि ना? घर परिवार में पापा के जो संगीत का जो बहुत रुचि रहला। और पापा के जो परिवार में बेटा बेटी तो बटले हुए जी, बेटा दो बेटा तो कुल के अकाउंटेंट बनाए, बाकी आगे गायक बनाए ना। अगर उन जो बाटे अगर गायकी में आए तो हम जरूर उनके आगे बढ़ाएंगे गायकी में। क्या हमारी शौक बाटे कि कम से कम हम या हमारे कोनो हमारे भाई या हमारे जो बाटे बेटा कोनो भी संगीत जी जी। हाँ भैया चपले रहा था भैया, ई होला गाय की ई होला मिजाज, और एकरा के कहल जाला हौसला जज्बा। की जोन पाड़े भैया ना को पौनी वो अपना आगे आपन सपना अपना बेटा बेटी में देख रहा बने, तो एकदम खुल के जरा पास जोन हुनर बात जोन गुड़वा ओके निखारी ओके आगे बढ़ाई। ई ना के चल पढ़ तू के डॉक्टर बने के बा, चल पढ़ तू के एंकरिंग कर एक बार, मैं तोरा के ना बतावत है। अच्छा अच्छा, बुद्धि लगा कर पार्टनर अभी बताओ। हम बहुत खुश बानी। खुश बात ना? हाँ कौन सी बात है? तोरा के बात पता बा? पता ना बा, बतावा, दर्शक लोग भी जाने के चाहते हैं। भैया पार्टनर सुना हम एगो फिल्म साइन के लिए बानी, बहुत जल्दी हीरो बने वाला बानी, बड़का पर्दा पे एकदम नाचत कूदत मारत लड़त हीरोइन साथे रोमांस कर मिलब तो हम देखबू। आप देखा बाकी फिल्म वो तोरा के इतना कमाल हो गई। हम पे पता रहला कि हमरा बात पे तोरा के भरोसा नहीं के, नहीं के था नहीं के, लेकिन ये बात सरहो आना सच बाटे। देखा हम तोहरा खातिर बहुत खुश बानी कि तारा के फिल्म में काम करे के मौका मिला, बाकी बहुत दुखी बानी कि वो फिल्म के का होई। अच्छा अच्छा यार, कभी कभी एकदम तू अजीब बात कर लू। एक तो भैया हमारे सोच के अब्बे से हाथ पांव फुलाता कि का होई कैसे होई, तो इनकरा के हमारे हौसला नहीं बढ़ावे के अलग ही हमारे हौसला और डाउन करता ली ना कि चाप पार्टनर चाप के गावा चाप के करा चाप के छुमा, लेकिन देखा इतना बड़ हो गई बाड़ा तू, और तू घबरा ला, घबराहट तो ओके ओके के चाहिए जे तोरा साथे फिल्म बना रहा हर बार। अरे तोरा ना बुझाई, तोरा ना बुझाई, वो तो हमारे ना बुझाता कि हाँ हमारे दिमाग एकदम भैया गड़बड़ हो गई बा, कबो सर दर्द करता, कबो हमारा दुकैसन के अंदर से जी मिचले लागता, कबो हमार घबराहट होता, मस्करा सूझता, घबराहट होता, तोरा घबराहट होता, घबराहट होता, चाप की घबराहट होता कि हम करी तक कैसे करी, हाथ पांव का पता। अरे भाई स्टॉप स्टॉप, ऐसे स्टॉप हो जाए हर बात की तू मजाक में उड़ा दे। सुधाता देखा अब काम की बात आ गई बा तो ना हसब, बाकी तार उपाय बताई भाई जोन तार बीमारी बा घबराहट के, एकरा के एंजाइटी भी बोलल जाला। एंजाइटी 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 या एक तो नमवे ऐसा बाकी में हमारे समझ में नहीं बता एकरे भीतर का है, उत्तर बहुत दूर की बात बा, हम ये चाह के तू विस्तार से बताओ का बा कैसे बा। बल्कि आज हमने के जोन विशेषज्ञ बने उ बारे डॉक्टर संजय चुग जी, उ आज हमने के बताई है ये एंजाइटी नाम के जोन बीमारी बा एकर इलाज बा हमने के विशेषज्ञ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय चुग के पास। तो चलिए मिलके देखल जाओ हमने की खास सेगमेंट जेकर नाम बा हमार विशेषज्ञ। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चुग हूँ। आज हम चर्चा करेंगे साइकाइट्री के एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स की, जिसका नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी एक ऐसा भाव है, एक ऐसा इमोशन है जो जिसको एंजाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा उससे व्याकुल हो जाता है। एंजाइटी में दिलो दिमाग में घबराहट बेचैनी की फीलिंग होती है। अगर शारीरिक सिम्टम्स हम देखें, व्यक्ति कहते हैं कि जी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, मेरे हाथ पांव ठंडे रहते हैं, पेट में अजीब अजीब सी गुड़गुड़ाहट होती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती, सारा दिन लगता है डकार आ रहे हैं। जिन लोगों को टेंडेंसी होती है जब उनका एंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाता है, अगर उनके अंदर मान लो दमे की शिकायत है, उनको एक अस्थमा का अटैक हो जाएगा, और मानसिक तौर पे भावुक तौर पे सारा समय दिमाग जो है अजीब अजीब से विचार दिमाग में चलते रहते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति को बहुत सारी बेचैनी का अनुभव होता है। अगर मैं बहुत
संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूँ कि एंग्जाइटी क्या है। एंग्जाइटी को मैं जैसे प्रैक्टिस में जब पेशेंट आते हैं उनको बोलता हूँ, ये है मीनिंगलेस एंटिसिपेशन, कि बिल्कुल बेवजह आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मेरे को ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो इसका अंजाम बुरा होगा, इसका अंजाम ये होगा, मेरे को कोई सज़ा मिलेगी, भगवान मेरे को पाप चढ़ाएगा। ये बहुत क्लासिकल सी मैनिफेस्टेशन होती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की। एंग्जाइटी डिसऑर्डर कई प्रकार के होते हैं और एक साइकाइट्रिस्ट की क्लिनिक में डिप्रेशन के बाद जो सबसे कॉमन बीमारी देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस बीमारी की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको छोटे रूप में हम कहते हैं OCD। ऑब्सेशन क्या होता है? ऑब्सेशन एक ऐसा बेबुनियाद इलॉजिकल इरेशनल सा विचार होता है जो एक व्यक्ति के दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहता है और बार बार उभर कर आता है, परसिस्टेंट है, रेकरेंट है, बिल्कुल इलॉजिकल है, इरेशनल है। उसको मालूम है कि जो मैं सोच रहा हूँ बेकार की बात सोच रहा हूँ, मगर उसका इस विचार के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बस नहीं है। जब भी ये विचार आता है तो उसके दिमाग में व्याकुलता उत्पन्न होती है और उस व्याकुलता को कम करने के लिए व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य करता है जिसको हम कंपल्शन बोलते हैं। जब मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे कॉमन रूप OCD का क्या होता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप में से कई लोग जो है इमीडिएटली पहचान पाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि आपको ये प्रॉब्लम है, बट क्योंकि आपने कई लोगों को अपने आसपास ये चीज़ें करते हुए देखा होगा। सबसे कॉमन जो OCD होती है वो होती है कि मेरे हाथ गंदे हैं। तो इस व्यक्ति के दिमाग में ये वहम चलता है कि हाथ गंदे हैं, अगर मैं हाथ नहीं धोऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मेरे को बीमारी हो जाएगी। तो ये व्यक्ति ऐसा है जो सारा दिन साबुन से हाथ धोता रहता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, आप लोग ताज्जुब करेंगे कि पूरे दिन में, एक दिन में एक पूरी साबुन की चक्की से वो अपने हाथ रगड़ते रहते हैं सारा दिन। एक बार वो नलके के पास जाएंगे, 10-15 मिनट यही हाथ धोते रहेंगे, साबुन लगाया, पानी से हाथ धोया, नहीं तसल्ली हुई, फिर साबुन लगाया, फिर पानी से हाथ धोया। तो सबसे कॉमन जो ऑब्सेशन है वो है गंदगी का। कुछ लोगों को ऑब्सेशन होता है चेकिंग का, कि आप रात को सोने जा रहे हैं, आपने अपने कमरे में दरवाजे की छिटकनी बंद करी, आपने एक बार बंद करी, आपको तसल्ली नहीं हुई कि मैंने ठीक तरह से बंद करी है, तो आप दूसरी बार उसको फिर करते हैं, तीसरी बार करते हैं, चौथी बार करते हैं, 10वीं बार करते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो एक टाइम पे 200 बार छिटकनी को बंद करते हैं, खोलते हैं, क्योंकि दिमाग में तसल्ली नहीं होती कि दरवाज़ा बंद हो गया, और डर है कि अगर दरवाज़ा बंद नहीं होगा रात को चोर आ जाएंगे, वो हमारे को मार डालेंगे। घर से बाहर जा रहे हैं, मैंने गैस का चूल्हा बंद किया कि नहीं, तो 20-30 बार वो गैस की नॉब को ही बंद करते हैं, फिर चेक करते हैं, नहीं शायद बंद नहीं हुई, दोबारा करते हैं। तीसरा जो ऑब्सेशन होता है वो होता है बीमारी का। जैसे कई लोगों को लगता है कि मैं बस में जा रहा था, ट्रेन में जा रहा था, मेरे को किसी ने एक नोकीली चीज़ से चुभा दिया, उनको लगता है कि एक इंजेक्शन था, उसकी सुई मेरे को चुभाई और मेरे अंदर एड्स का वायरस प्रवेश कर गया। बिल्कुल बेबुनियादी विचार है, मगर ये लोग इतने ज़्यादा सताए जाते हैं इस विचार से कि उनकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो एक तरह से बिल्कुल ठप हो जाती है। और कई प्रकार के ऐसे ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होते हैं, अभी उनके बारे में नहीं बात करके मैं आपको बताऊंगा कि हम इस बीमारी का इलाज कैसे करते हैं। बाकी साइकाइट्रिक बीमारियों की तरह इसमें भी जो प्रमुख इलाज है दवाइयों से होता है। कई दवाइयाँ हैं जो ऑब्सेशंस और कंपल्शंस को कम करती हैं, और दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी और काउंसलिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जिन केसेस में दवाई और साइकोथेरेपी से पूरी तरह आराम नहीं मिलता, तो कुछ तरीके होते हैं ब्रेन स्टिमुलेशन के, जिसमें हम, एक होता है डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन, जिसमें हम एक छोटी सी बैटरी होती है 9 वोल्ट की जो आप टॉर्च में लगाते हैं, उससे ब्रेन के अलग हिस्सों को स्टिमुलेट करते हैं, या हम बड़े मैग्नेट्स लेके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को जो इस बीमारी में अफेक्ट होते हैं उन हिस्सों को ठीक करने की कोशिश करते हैं उस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको OCD के बारे में कुछ जानकारी मिल गई। अगले कुछ सप्ताह में हम अन्य बीमारियों के बारे में बातें करेंगे। धन्यवाद। वाह भाई, पार्टनर एक काम करो ना तू, और संजय चुक जी जोन मानी ना वहाँ के हमारा से धन्यवाद दे दो, काहे कि उनकरी जोन हमार समस्या दूर करे वाली बात रह ना, दिल छू गए लो। देखा तू ही कि ना, जेकरा भी बीमारी होई ओकरा के तब समस्या के समाधान मिल गए, बिल्कुल हर के वो धन्यवाद बोली हमने के विशेषज्ञ के। जरूर, तो भैया बहुत बढ़िया, असही कुल बात ए प्रोग्राम की खास बात बटे, असही थोड़ी नहीं प्रोग्राम खास बटे, असही थोड़ी ना भैया लोग हमने के प्यार करता, बिल्कुल सही बात, और का मुंह थोड़ी ना लाए के बाकी क्यों प्यार करी, लेकिन भैया ऐसा प्रोग्राम के विशेषता बा कि सब प्यार देता सम्मान देता, तो भैया ये प्यार सम्मान बनल रहे हमने का सही, और रउआ लोग खातिर एक से एक फूलवारी के फूल ला के महकावल जाए,
आ आपके एकदम जिंदगी के एकदम खुशी खुशी बितवावल जाए। लेकिन फिलहाल वक्त बा एगो विराम के, हमरा के थोड़ देर खातिर जाए दी, रउआ मौत कही जाए। हम तुरंत आवत तनी भैया लेके अपन प्रोग्राम जेकर नाम बा हो भैल बिहान। तो दर्शक लोग ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता नहीं रउआ सब के पूरे तहे दिल से हुई खास प्रोग्राम में, जन प्रोग्राम के नाम बाटे पार्टनर। देखा ना हमने की जो रोज के एगो अच्छा काम, एगो का बहुत अच्छा काम होला। मुना देखा ताड़ू आपन देखला एस बताओ तन तोरा के ए से मु बताओ तन ना बताओ ताड़ू हमरा कहला की मतलब पहले बुझल जाला फिर चप्पल चप्पल बोलल जाला। रेडियो मिर्ची खान शुरू हो जाबू सब के पता बा, हर के खान तब बोलबू जन चट चट आके लगे भैया। हम बतावे जात रही है की हमने के जो अच्छा काम का हो। अरे ये बा कि बढ़िया बढ़िया बात दर्शक तक पहुँचाए, उनके खुशहाल बनाए जिंदगी के। एकरा बोलल हम तोरे बुखार आवत रहल, अब तू बोले देव तब ना बोलब। बोले तो देनी है तो पूछनी तो तू हमारा पागल जुट गए लुआ। एस कहनी भैया आदमी अगर पढ़ल लिखल होके तो आदमी को परेशानी में ना फंस सके। तो पता बा दर्शक, जब आदमी के कम पढ़ल लिखल जाए ये समस्या बाद में चल के खड़ा होला। भैया रउआ लोग अपना ऊपर ध्यान दे, खूब पढ़ी खूब बढ़ी। लेकिन फिलहाल हम एगो बात बतावे जाता नहीं कि अपना के उस सगा संबंधी खास बाटे आ कोनो कारण बस ओकरा मालिक कोनो विशेष दिन पे आप बधाई नहीं पहुंचा पोले बानी। चिंता मत करी, हमरा के बताई हम आपके बधाई वहां तक पहुंचाई। ओकरा खातिर करे के बाद हुआ के बस इतना कि फेसबुक पे लॉग इन करी, वहां के जकरा के विशेष पर्व पे बधाई देवे के बाद ओकरा के भइल बिहान के पेज पे फोटो भेजी, उनकर विशेष दिन के बारे में बताई। देखी तत्काल में हमनी के अगला दिन पहुंचावल जाए रउआ खबर के वहां तक। ए तरह वो खुश रही है, रउआ खुश रहो, जिंदगी के गाड़ी एकदम खुशी खुशी आगे बढ़त रही, जिंदगी हमेशा सफलता की ओर चलत रही है भैया। वाह भाई वाह, इतना बढ़िया बात पार्टनर बताओ ले, तो ध्यान से सुन लेने वानी और भेज दी फटाफट से। बाकी पार्टनर बोला 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 हर बारी हमनी के एपिसोड में बोलल जाला कि अगर प्रोग्राम से रिलेटेड कोनो बात बा विचार बा तो यहाँ तक पहुँचाई, भर भर के मेल आयल बा। भर भर के आयल बा का? एको तोरे बाबूजी के यहाँ आयल बा, मतलब तोरे घर से लखनऊ खनऊ से? अरे अरे लखनऊ से बहुत ढेर को ले आयल बा। बाकी तू बता तेरा गोरखपुर से आयल बा कि ना? अरे हमार गोरखपुर ना रह तो तुहार लगे कोई मिलवे नहीं आवत। ऊ तो पता बा हमके, चला एक मेल आयल बा हम पढ़ के सुना देता नहीं। तो बता देगा कहाँ के हो? कुछ बोले ताई तो के ना। अंशुल जी और संजोली जी को मेरा प्रणाम, मैं चंद्रशेखर मौर्य हूँ और गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अरे बाप बाप, कहाँ बुझाई तारा के? अरे हमके सब बढ़िया से बुझाता, इतना इत्तफाक बाकी आ गए गोरखपुर से। अब जेबू घर से तो जबरदस्ती मेल भेजवाइबू ऐसे ना? चुप रहा, मेरा घर हाटा बाजार में है लेकिन आजकल मैं सऊदी अरब में नौकरी कर रहा हूँ। मुझे भैल बिहान प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं इसका हर एपिसोड बहुत चाव से देखता हूँ। रउआ सबके प्रणाम बा, धन्यवाद बा। बा भैया रउओ की प्रणाम बा, धन्यवाद बा। हाटा बाजार एकदम हमारे घर के बगलिये में बा भैया। हाँ। हमारा घर से जान तो कितना दूर होई? बता दा। बहुत होई तो 8 से 10 किलोमीटर बा। बस बस अच्छा। हमार पड़ोसी बानी तो भैया रावरी ईमेल अगर सऊदी से आयल बा अगर ये प्रोग्राम खातिर तो ऐसे इतना खुशी हो रहा बा कि बस पूछी मत। हम अलग बया करे के कोनो मतलब बस शब्द नहीं के। हाँ। बहुत बढ़िया लागल, अत्यंत खुशी मिलल। अब बस यही के आप लोग से अपेक्षा रखनी, इतने प्यार सम्मान दुलार के एकरा के बनौले रही, हमने के प्रोग्राम का सही चमकौले रही। बाकी महुआ प्लस आप लोग के हमेशा खुश करे खातिर एक से एक तरह के प्रोग्राम लेके आवल करी। पार्टनर बाकी एक बात और, बाकी के दर्शक लोगन से भी रिक्वेस्ट कर दा जरूर हमने के जोन बा भइल बिहान @gmail.com ओपे मेल करी, यहाँ तक पहुँचाई। अब पहुँचाई ओकरे बाद देखी ना घमासान के तरह हमने के आगे बढ़ाता नहीं। तो ये फिलहाल घमासान के आज के हम यहीं पे रोकब, यानी आज के प्रोग्राम पे यहीं के रोकब। लेकिन भैया जात जात हम आपसे वादा हुए दोहराए कि फिर आए नया नया फुलवारी के रंग लेके, नया नया फुलवारी के खुशबू लेके, रउआ के जीवन के एकदम गमगमाए। फिलहाल दे हमने की इजाजत जाए बदे, रउआ सब लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम बा। बाकी जाते जाते ही ना भूले के बाकी आज हमने के अंगना में बने सुनील कुमार पांडे जी, तो एजा से जे जाला वो इतना बढ़िया को सुना के जाला कि ओकरा खातिर फिर न्योता आवेला वो दिन के शुभारंभ हो जाला। वैसे ना हमने के जाए तो भैया लोग अपन काम कर जुट जाए, तन कुछ गावत गावत विदा कर जा। का सुनावे के बा? एगो लड़की बाड़ी तो उनके सुगराई को बखान एगो लड़का कैसे करता, कैसे करता, कैसे कैसे गाई कौना सबुनिया से बाड़ू तू न हईले, कौना सबुनिया से बाड़ू तू न हईले, कवन तू इतर लगवलु डहर गवा कवलुए भूती।
कवन तू इतर लगवलु डहर गम कवलु ए बुची कौना सबुनिया से बाड़ू तू न हईले कौना सबुनिया से बाड़ू तू न हईले कवन तू इतर लगवलु डहर गम कवलु ए कौन तू इतर लगवलु डहर गम कवलु ए बुची राखी चापा कल के पानी तोहरो पलास लेका खिलल बा जवानी पिया तारुना राखी चापा कल के पानी तोहरो पलास लेका खिलल बा जवानी केरवा के पेदी बाटे लिहले गोराई केरवा के पेदी बाटे लिहले गोराई पवन तुले पवाला सवलु बदना गमा कवलुए बुची कवन तुले पवाला सवलु बदन गम कवलुए बुची बदन गम कवलुए बुची बदन गम कवलुए बुची तो कवन तुले पवाला सवलु बदन गम कवलुए बुची कवन तुले पवाला सवलु बदन गम कवलुए बुची